अपने दर्शकों को हम बता दें कि एलनाबाद से बड़ी खबर आ रही है, किशनपुरा के पास किसानों का धरना खत्म हो गया है। 3 महीने से ये किसानों का धरना चल रहा था जो कि अब खत्म हो गया है। आपको बता दें कि एलनाबाद से बड़ी खबर आ रही है, पानी की समस्या को लेकर धरने पर किसान बैठे हुए थे और इस धरने को किसानों ने खत्म कर दिया है। सीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। आचार संहिता खत्म होते ही समाधान करवाया जाएगा, इस आश्वासन के साथ ही धरना खत्म हो गया है। बीजेपी नेता जगदीश चोपड़ा ने सीएम से मुलाकात की। तो बड़ी खबर आ रही है, किसानों का धरना खत्म हो गया है। पिछले 3 महीने से ये धरना चल रहा था जो कि खत्म हो गया है। किसानों से भी सीएम मनोहर लाल मिले थे, दोनों की आपस में बातचीत हुई, किसानों की परेशानी से अवगत करवाया गया था और ये बीच का रास्ता निकाला गया है। पानी की समस्या को लेकर किसान धरने पर बैठे हुए थे। अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये धरना जो है खत्म कर दिया गया है, सीएम के आश्वासन के बाद किसानों का धरना खत्म हुआ है। आचार संहिता खत्म होते ही इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। बीजेपी नेता जगदीश चोपड़ा ने भी सीएम से मुलाकात की थी जिसके बाद ये समाधान निकाला गया है। तो आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से किसानों का धरना चल रहा था जो कि खत्म हो गया है। पानी की समस्या को लेकर ही धरना था और सीएम के आश्वासन के बाद इस धरने को खत्म कर दिया गया है। एलनाबाद से बड़ी खबर आ रही है। एलनाबाद से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, जानना चाहेंगे आपसे, 3 महीने से ये धरना चल रहा था, सीएम के आश्वासन के बाद इस धरने को खत्म किया गया है, और कुछ ताजा अपडेट्स क्या है आपके पास इस खबर को लेकर? जी श्वेता, बिल्कुल, एलनाबाद के किशनपुरा में पेयजल और सिंचाई के पानी को लेकर जो 3 महीने से जो धरना जो चल रहा था वो आज समाप्त हो गया। किसानों ने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो आंदोलन की अब जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री से मिले और आचार संहिता खत्म होते ही जल जो पानी की जो समस्या है उसका समाधान कर दिया जाएगा। गांव शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटर के टेल पर किशनपुरा के पास जो है किसान धरना लगाए बैठे थे और गांव कशमवाणा, डाणी शेरा, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेरा और निमला गांव के किसान जो है पेयजल जो संकट था उसको लेकर कहीं ना कहीं 3 महीने से धरने पे जो है बैठे थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा और रमेश भादू के नेतृत्व में इन किसानों ने जो अपना धरना जो है वो जो छोड़ दिया और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो आपका जो किसानों की जो समस्या है, जो सिंचाई की जो समस्या है उसको लेकर जो तमाम जो धरना जो चल रहा था उसको जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और जैसे ही आचार संहिता खत्म होती तमाम जो कार्य है इस काम को लेकर वो पूरे कर लिए जाएंगे। जी रवि, क्या किसानों से आपकी बातचीत हुई, क्या वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? आश्वासन तो आखिरकार हालांकि दिया गया है सीएम मनोहर लाल जी की तरफ से, लेकिन क्या लग रहा है, क्या किसान आश्वस्त हैं? बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस प्रकार से आंदोलन जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया है और जिस प्रकार से ये धरना जो चल रहा था उसको लेकर जो जिस प्रकार से किसानों से जो बातचीत है वो तमाम जो किसान उनका यही कहना है कि हम पूरे आश्वस्त हैं और मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया है वो उस पर खरा उतरेंगे और जैसे ही आधार संहिता खत्म होती है तो तमाम जो समस्या थी उन समस्याओं से निजात जो है मुख्यमंत्री अधिराने का काम करेंगे। जी जी रवि, तमाम जानकारी के लिए, मैसेज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि पिछले 3 महीने से धरना चल रहा था जो कि किसानों ने खत्म कर दिया है। सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस आश्वासन के बाद आरोना धरना खत्म। बड़ी खबर, एलनाबाद से किशनपुरा के पास किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। राहत की खबर है किसानों के लिए क्योंकि एम ने आश्वासन है कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। पानी की किल्लत थी जिसकी वजह से किसान धरने पर बैठे हुए थे और सीएम मनोहर लाल ने
आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द खत्म होते ही समाधान करवाया जाएगा। बीजेपी नेता जगदीश चोपड़ा ने मुलाकात की थी, उसके बाद सीएम ने आश्वासन दिया।